इसीलिए सब सोच समझ के कहा गया कि पढ़ा लिखा व्यक्ति केवल डिग्री होता है, इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि वो समझदार है या कॉमन सेंस है या नहीं। इसका एग्जांपल देखिए, पूरे इतिहास में सबसे बड़ा लोल अगर कोई बादशाह था तो मोहम्मद बिन तुगलक था। यह 24 भाषाओं का जानकार था, 26 भाषाओं का मतलब 26 भाषा लिख नहीं पाता था, लेकिन टोटल 24 भाषाएं जानता था, दो और भी भाषा जानता था, लेकिन 24 को लिख पढ़ सब सकता था। सबसे पढ़ा लिखा अगर बादशाह था तो कोई मोहम्मद बिन तुगलक, लेकिन इतिहास में इससे बड़ा बैल कोई नहीं हुआ। सबसे असफल राजा हुआ जबकि सबसे पढ़ा लिखा था। इतिहास में सबसे सफल राजा अगर कोई हुआ ना, सबसे सफल तो अकबर हुआ। कोई गलती ये नहीं की आपने जीवन में, अशोक ने तो कलिंग भी किया, अशोक भी महान थे, हर्षवर्धन भी महान थे, नो डाउट, लेकिन अशोक को सिंहासन विरासत में मिला था, उनके बाबूजी बिंदुसार से मिला था। लेकिन अकबर जब था वो 13 साल की उम्र में उसका बाप मर गया था। यहाँ किसी का 13 साल की उम्र में बाप मर जाए ना तो फिर हालत खराब हो जाता, वो भी दूसरे देश में, यहाँ के थोड़ी थे सर, इतना महान था। जबकि ये ससुर अपना नाम नहीं लिख पाता था, फुल्ली इलिटरेट था, लेकिन इतने बड़े भारत को संभाल के रख लिया, हिंदू मुस्लिम सबको इसने संभाल के रखा। कभी सोचा इसको कट्टर का नाम दिया गया अकबर को? नहीं दिया गया। तो पढ़ा लिखा हो जाना का मतलब ये नहीं कि आपके पास बुद्धि हो जाएगी।